आ गया आ गया। चलो कैसे हो आप सब लोग? रंजीत कुमार, निकिता, राम सेवक, मुकुल, एकता, नेहा, कैसे हो आप सब लोग? गुड आफ्टरनून। चलो तो ये एक राजस्थान पुलिस का एक प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है। आपको भी पता है कि आप इसको प्रैक्टिस सेशन भी बोल सकते हो, आप इसको दिल्ली पुलिस का भी एक प्रैक्टिस सेशन बोल सकते हो, प्रीवियस ईयर का पेपर भी डिस्कशन मान सकते हो, आप कुछ भी मानो इसको। बट कुल मिलाकर हमें एक तरीके से हर दूसरे तीसरे दिन, हमने आपसे वादा किया था, दिल्ली पुलिस के जितने बच्चे हमारे स्टूडेंट हैं, कंप्यूटर स्पेशल के जितने बच्चे स्टूडेंट हैं, वो सारे ही बच्चे जो जो भी हैं बच्चे, उन सबको हमें टिल एग्जामिनेशन मिनिमम 1000 क्वेश्चंस की कंप्यूटर की प्रैक्टिस करा देनी है। ठीक है, तो हम लोग धीरे 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 धीरे, गुड मॉर्निंग आशीर्वाद, भगत सिंह कह रहा है हमारे आशीर्वाद से एग्ज़ाम मस्त हुआ, चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर हम लोग एग्ज़ाम की ही बात करने आए हैं, बिना कोई बात किए समय गवाए एक घंटे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे कर लेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत छोटी सी बात, जो बहुत दिनों से बच्चों के कुछ डाउट थे, हमारे पास कई बच्चों के मैसेजेस आए, और उस जरा डाउट को हम क्लियर कर देते हैं आपको, कि आप लोगों ने एक वर्ड बहुत ज़्यादा इस समय आपको परेशान कर रहा है, उस आज से इस वर्ड को ख़त्म कर देते हैं। एक होता है इम्पैक्ट और एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते क्या हैं, पहले इनको समझ लो, फिर इनके एग्जांपल्स आज बता दे रहे हैं, क्योंकि राजस्थान पुलिस की हर शिफ्ट में इसके क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अब नहीं रह गया। क्यों इंपॉर्टेंट नहीं रह गया? क्योंकि इसमें आधे से ज्यादा प्रिंटर मार्केट में अब यूज ही नहीं होते हैं, बट फिर भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको पहले आज पूरा कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट, आपको भी पता है कि हमारा जो भी मेथड होता है बिल्कुल यूनिक होता है, और हम कोई भी मेथड से आपको पढ़ाएंगे तो वो यूनिक और किताब से हटके होगा, याद करने का जो तरीका है, एग्जाम्पल सब एक जैसे ही होते हैं, बट मेथड। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट पेपर पर स्ट्राइक करता है। ठीक है, एक ऐसा प्रिंटर जो डायरेक्ट पेपर पर स्ट्राइक करता है विद द रिबन, रिबन का मतलब फीते के साथ स्ट्राइक करता है, वो पेपर जो जो रिबन के साथ स्ट्राइक करेगा वो प्रिंटर हमेशा इम्पैक्ट प्रिंटर माना जाएगा। ठीक है, सभी बच्चों को नमस्ते, सभी बच्चों को बहुत सब प्यार। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, क्योंकि इस सेशन में बातें से ज्यादा हम लोग काम की बात करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, सभी बच्चों को खूब सारा प्यार। अब शुरू करते हैं, पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे होते हैं, वो प्रिंटर होते हैं दैट इम्पैक्ट विद द रिबन ऑन पेपर, पेपर पर वो रिबन के साथ प्रिंट करते हैं। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जिनमें, यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, रिबन। ठीक है, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो डायरेक्ट पेपर पर इम्पैक्ट नहीं करते हैं, वो किसी हेड से प्रिंटिंग करते हैं, हेड से। अब हेड से, ठीक है, वाह बहुत बढ़िया। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम लोग जो रिबन से होकर कोई भी चीज प्रिंट होगी वो होगा हमारा कौन सा पेपर, इंपैक्ट प्रिंटर। ठीक है, और जहां पर हेड का इस्तेमाल होगा वो हमारा होगा नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल ही एग्जाम में पूछे गए हैं, इनको याद कर लीजिएगा बेटा एक बार। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इंपैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, ये हो गया हमारा नंबर वन। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ठीक है, अगर इधर हम लोग लिखें जिसमें हेड का इस्तेमाल होता है तो इंकजेट प्रिंटर, बहुत सारे आप नाम इसमें देखोगे, अभी हम आपको इन प्रिंटर्स के बारे में बता भी देंगे। ये हो गया पहला। दूसरा हो गया बेटा हमारा लेजर प्रिंटर, जो इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, हाँ समझ में आ रही बात, किसी को कोई दिक्कत अभी तक? बताओ कोई दिक्कत किसी को? इधर आते हैं,
डेजी व्हील, प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये सारे जो प्रिंटर होते हैं ये सब रिबन के साथ, और इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो अभी भी कई सारी जगह हो जाओ, जैसे आप कभी भी देखना रेलवे स्टेशन पर जाना, रेलवे स्टेशन पर आप कभी भी टिकट प्रिंट होते देखना, तो टिकट जब भी प्रिंट होते देखोगे तो वो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, वो कभी भी देखिएगा पहले रिबन से ही वो प्रिंट मारता है, ठीक है। और उसके बाद मार्केट में जो होते हैं ज्यादातर वो इंकजेट होते हैं और लेजर जेट होते हैं। इंकजेट क्या होता है, इसमें इंक का इस्तेमाल होता है, ठीक है। आपने देखा होगा जैसे ज्यादातर एक कंपनी है जो सबसे ज्यादा इंक में अपना नाम होल्ड करके रखी है इस समय, वो इप्सन कंपनी है, ठीक है। कैनन के भी अच्छे खासे प्रिंटर आते हैं, ड्रम प्रिंटर जो होते हैं जो इंक के बहुत अच्छे प्रिंटर आते हैं, लेकिन इप्सन का वर्ल्ड में बहुत अच्छा नाम है। लेकिन लेजर में जो इंडिया में और वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है वो एचपी है प्रिंटर में, ठीक है। अब ये जितने भी प्रिंटर हैं ये सारे कॉमर्शियल यूज होते हैं, अब ये कॉमर्शियल यूज होते हैं और वो भी कुछ सेक्टर्स में। अगर आप आईटी सेक्टर में जाएंगे, अगर आप किसी भी तरीके के कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे तो आपको ज्यादातर वहां पर लेजर प्रिंटर मिलेगा, और अगर आप किसी शॉप में जाएंगे जैसे फोटो की दुकान में जाएंगे तो वहां पर आपको इंकजेट प्रिंटर मिलेगा। सारे प्रिंटर्स की बात मैं आपको पूरी बता देता हूं, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, नेहा एक क्वेश्चन आपका गलत हुआ, मेरी बात बेटा समझ में आ गई आज से, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ। एग्जाम्पल इसके अलावा और भी बहुत होते हैं बट वो मार्केट में यूज नहीं होते, ठीक है, जैसे ड्रम प्रिंटर, चेन प्रिंटर, है ना, और उधर फोटो प्रिंटर, पोर्टेबल प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ठीक है। इधर एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, और ये एग्जाम में इस बार पूछा भी गया था, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर भी जो होता है वो एक आपका नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई सबको, चले आगे बढ़े, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोग को गुड आफ्टरनून, जल्दी से पढ़ो। आ गई सबको समझ में, इंपैक्ट और नॉन इंपैक्ट समझ में आया, जो पेपर रिबन के, जो पेपर पर रिबन के साथ प्रिंट करे वो इंपैक्ट प्रिंटर, रिबन, ठीक है। एक रिबन लगा होता है, देख कर आइएगा आप लोग, कभी देखिएगा, आपको हम दिखा भी सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए तो किसी चीज की कमी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। चलो देखो, सामने देखो, चलिए गूगल बाबा के पास चलते हैं और गूगल बाबा से कहते हैं कि हमें जरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखाओ, जरा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर दिखाओ जरा हमें। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जैसे ही देखते हैं तो ये देखो आपके सामने ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आ गए। यहां पर जितनी भी प्रिंटिंग होती है, ये जैसे सबसे ज्यादा रेलवे में इस्तेमाल होने वाला ये प्रिंटर है, सबसे ज्यादा रेलवे में इस्तेमाल ये होता है। तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, इसमें एक अंदर रिबन लगा होता है, आप कभी इसको रिप्लाई, अब आप लोगों ने तो इसको कभी देखा नहीं होगा, बनते ना बना, हमने इसको खूब सारा बनाया, तो इसके अंदर एक रिबन लगा होता है, और यहां पर देखो ध्यान से, तो ये एक, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, अभी हम आपको पूरा दिखा देते हैं, हाँ, ये देखो खुला आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। तो ये जो होता है ये प्रॉपर तरीके से एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है बेटा? इंपैक्ट प्रिंटर। ये पेपर पर रिबन के साथ इंपैक्ट करता है, इसमें किसी भी तरीके का हेड नहीं होता है, इसका रिबन ही सिर्फ चेंज होता है। रिबन आता है इसका 90 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक रिबन की क्वालिटी आती है, 1900 रुपए तक क्वालिटी आती है, रिबन इसका चेंज कर दिया जाता है और उसके बाद प्रिंटिंग आपकी ओके हो जाती है। आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा एक कैसा प्रिंटर, इंपैक्ट प्रिंटर। लेकिन अगर आपको नॉन इंपैक्ट प्रिंटर देखना है तो आपको मैं एक बहुत अच्छा प्रिंटर दिखाता हूं, एचपी 1005। ये देखो मार्केट में इस समय सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रिंटर, ये एक एचपी का 1005 जो इंडिया में नंबर वन प्रिंटर है इस समय, जिसको कॉमर्शियली भी यूज किया जाता है, ठीक है। और ये हाँ बिल्कुल बहुत साउंड क्रिएट करता है प्रिंटिंग के लिए, बिल्कुल सौरभ जा, ये आपने गूगल से देख के बताया है, ठीक है, ये सब किताबों में लिखा होता है, ठीक है, हाँ ठीक है। देखो तो ये जो प्रिंटर है ये मार्केट में नंबर वन है इस समय, और ये एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, याद रखिएगा, एक ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटर है, कलर प्रिंटर नहीं है ये, ठीक है। बट फोटो कॉपी के लिए
और आप मल्टी फंक्शनिंग के लिए स्कैन, कॉपी, फोटो कॉपी, प्रिंट, आप सब काम इसमें कर सकते हैं और बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में। आपको 10 पैसा 12 पैसा लगभग एक प्रिंट का कॉस्ट आता है इस पे। ये मार्केट में सबसे नंबर वन पे इस समय चल रहा है प्रिंटर, और इसी चक्कर में एचपी ने काफी अच्छा खासा नाम कमा लिया। ठीक है, मेरी बात कंप्लीट हुई, अब हम लोग चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे वरना समय बर्बाद होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन का आंसर शुरू करिए जल्दी से। चलिए आंसर बताइए जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो, इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आपको सबको भी पता है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब जहां लिखा होगा वही सही होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है बी। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं आपसे, फुल फॉर्म का एक अलग इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म का एक अलग इंपॉर्टेंट है और उसको कभी भी आपको भूलना नहीं है, ये बात याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बताइए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों को लाइक शेयर करो भाई। यार कैसे है तुम लोग, यार कहते हो हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और कहते हो कि सर हमारे 99% क्वेश्चन मैच करते हैं, फिर भी बताओ 31-32 लोग देख रहे हैं, मतलब कैसे काम चलेगा भाई, कैसे। बताइए आंसर इसका। पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। बेटा कुणाल बाबर, पीडीएफ का फुल फॉर्म पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करो, सबसे पहली बात तो, अगर तुम लोग इतना प्यार करते हो तो सिर्फ 31 लोग देख रहे हैं, बताओ गलत बात है ना ये। या तो आप लोगों के प्यार में कुछ धोखा है और या तो फिर आप लोग प्यार नहीं करते हो। ठीक है, बस पता नहीं क्या है लेकिन कुछ दिक्कत है। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा बेटा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ट्रैक बॉल। सबसे पहली चीज तो ट्रैक बॉल जान लो होता क्या है, क्योंकि हम यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने आए हैं, बताने भी आए हैं। आप लोगों ने बचपन में एक फोन देखा होगा, नोकिया 6600, या आपने मोटोरोला या सोनी एरिक्सन के कई सारे ऐसे फोन देखे होंगे जिनमें एक बॉल बनी रहती है बीच में। मोटोरोला के फोन होते थे, माइक्रोमैक्स के होते थे, जिनमें बॉल को ही घुमाओ तो वो अप डाउन लेफ्ट राइट होते थे, जिससे आपका माउस चला करता था। क्वेश्चन यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पॉइंटिंग डिवाइस है बेटा, वो पॉइंट करता था। जॉयस्टिक पॉइंट नहीं करता है, डिजिटल टैबलेट पॉइंट नहीं करता है, और स्कैनर नहीं करता है। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा नंबर 1 ए, यानी ट्रैक बॉल। डन बेटा, चलते हैं। बताओ जल्दी से आंसर इसका, बोलिए। बोलो बोलिए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए जल्दी से। चलो ये क्वेश्चन नॉट कंफर्म, नॉट कंफर्म कई लोगों का आंसर आ रहा है,
फर्स्ट रो कह रहे हो, फर्स्ट कॉलम कहो ना भाई, फर्स्ट रो क्यों कह रहे हो, फर्स्ट कॉलम कहो ना। ठीक है, थर्ड का सी बोल रहे हैं, कुछ लोग बी बोल रहे हैं, कुछ लोग डी बोल रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है फर्स्ट कॉलम। ठीक है, आपको ये याद करना पड़ेगा, और जिन बच्चों को याद नहीं है वो लोग करके देख लें एक बार। ठीक है, इसको नहीं बताया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बढ़िया क्वेश्चन है। जल्दी बताओ, जल्दी 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 करिए क्वेश्चन। मेमोरी को उनकी क्षमता के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करें। चलिए करिए। चलिए करिए जल्दी से। भाई साहब, जयदीप जी, जयदीप, बस बोलो, जल्दी आंसर बोलो इसका। बिल्कुल सही, जो लोग आंसर कर रहे हैं बी, वो बिल्कुल बच्चे सही हैं। रजिस्टर, रजिस्टर गलत है, रजिस्टर के बाद रैम नहीं आ सकती, क्योंकि रैम का साइज तो बेटा आप लोग भी जानते हो जीबी में होता है ना, और कैश और रजिस्टर सबसे छोटी मेमोरी होती है, सबसे छोटी रजिस्टर, रजिस्टर से बड़ी कैश, कैश से बड़ी रैम, और रैम से बड़ी हार्ड डिस्क। अरे रैम और हार्ड डिस्क भाई जीबी में होती है, कैश और रजिस्टर कभी जीबी में नहीं होती यार। ठीक है, ठीक है, समझ में आई गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सामान्य डेस्कटॉप में निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी का आकार सबसे बड़ा होगा? ये बहुत आसान सवाल है, और अगर तुम लोगों ने गलत बताया तो ठीक नहीं होगा। हाँ सुनी, कुणाल बाबर एक बार कमेंट में, एक बार कमेंट पढ़ लेता हूं। बार बार कॉपी पेस्ट करने का क्या मतलब है, है? मतलब कॉपी पेस्ट मतलब ये, तुम अगर तुम हमसे पढ़े हो तो फिर भी ये बेवकूफी की हरकतें कर रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, तुम मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो। ठीक है, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो, यू नीड टू ट्रीटमेंट। एक बार कमेंट देख लिया बेटा, पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ का देखते हैं क्या करते हो, यहां नहीं पढ़ रहे हो वहां पढ़ोगे। ठीक है, हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कुछ लोग बी बोल रहे हैं और कुछ लोग हार्ड डिस्क बोल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि आपको पता है कि सबसे बड़ा आकार जो होता है, कहाँ चला गया बेटा, इधर आ जा, सबसे बड़ा जो आकार होता है, वो सबसे बड़ा जो आकार मेमोरी का होता है बेटा, वो हार्ड डिस्क का ही होता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हार्ड डिस्क ड्राइव। क्या होता है पूरा फुल फॉर्म इसका, हार्ड डिस्क ड्राइव, याद रखेंगे। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये तो। चलिए बताइए, बढ़िया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा परेशान करेगा, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बोलिए जल्दी से, हाँ सर बोलिए, इसका आंसर बोलिए। सिक्स क्वेश्चन का कुछ बच्चे दे रहे हैं ए आंसर, कुछ बच्चे दे रहे हैं बी आंसर, तो चलो हम समझाते हैं इस क्वेश्चन को।
भास्कर पाल सिर्फ बी बोल रहे हैं। भास्कर पाल बेटा मेरे छोटू मेरे भाई, एक कमेंट एक बार किया करो ठीक है। कपिल बोल रहा है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, नहीं गलत। देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको समझाना चाहता हूँ ये सिंगल यूजर और मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग ये सब क्या होता है, समझो मेरी बात को। जैसे सपोज दैट एक कंप्यूटर है और उस कंप्यूटर पर आपके घर में कई लोग अपना अपना काम करते हैं, अपने अपने डेटा बनाते हैं और अपनी अपनी फाइलों को स्टोर करते हैं, अपने अपने अकाउंट्स बना लेते हैं। नंबर वन बना लिया, नंबर टू बना लिया, ठीक है। मान लो आपकी बहन का नाम है दीपिका, आपने दीपिका नाम से एक अकाउंट बना रखा, आपका नाम दीपक है तो आपने एक दीपक नाम से अकाउंट बना रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि उस ऑपरेटिंग सिस्टम पर कई सारे अकाउंट अवेलेबल होते हैं बनाने के लिए, हम लोग कई सारे अकाउंट बना सकते हैं। ये होता है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बट जब उस कंप्यूटर में केवल एक ही अकाउंट चल सकता है, जैसे बहुत सारे ऐसे जैसे लिनक्स होता है उस पर सिर्फ एक ही अकाउंट चल सकता है, तो वो होता है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज 95 वर्ल्ड का सबसे पहला एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम था जिस पे कई सारे यूजर काम कर सकते थे, अकाउंट बना सकते थे, ठीक है। ऑप्शन इंटरनेट पे क्या मिलता है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, और आपने क्या पढ़ा हमें इससे भी कोई मतलब नहीं। बट इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर और सिंगल यूजर समझ में आया, ठीक है। देवेंद्र जी, अजीत जी, ठीक है, और जिन बच्चों का गलत हुआ है उन बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, रिप्लाई करो क्या मेरी बात आपको समझ में आई कि कैसे सही हुआ। बच्चे धीरे धीरे कम हो रहे हैं, जल्दी से लाइक करो यार, जल्दी जल्दी लाइक करो। तुम लोग पता नहीं क्या मतलब 33 बच्चे लाइक देख रहे हैं हमको, बताओ कम से कम 10,000 बच्चों को तो पढ़ा डाला दिल्ली पुलिस में, तब भी 33 बच्चे बताओ देख रहे हैं, सर गलत बात है नहीं, बताओ जल्दी से आंसर करो। ठीक है, समझ में आ गई सबको ये बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। सीपीयू, ये सीपीयू लिखा हुआ है इसको, चलो बताओ बताइए आंसर। आलू, आलू अमन गुज्जर बोल रहा है आलू। सेवेंथ क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब आप सारे बच्चे दे रहे हैं, वो तार्किक संक्रिया यानी लॉजिकल ऑपरेशंस जो होते हैं वो सारे ही बेटा किसमें होते हैं, आलू में। तुम लोगों के आलू जो बोल रहे हो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आलू पक्का, आलू पक्का, ठीक है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बताइए इस क्वेश्चन का जवाब, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। बोलिए जल्दी से आंसर इसका बच्चों। अरे वाह, सबका ए सबका ए, और उत्तम कुमार बोल रहे हैं डी डी। उत्तम कुमार क्यों होगा बेटा, देखो सबको जान लो, सबके बारे में जान लो, सबके बारे में बता देते हैं बेसिक। देखो सबसे पहली चीज बायोस क्या होता है आपके, देखो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आपके मदर बोर्ड में, आपके मदर बोर्ड में कभी भी आप ध्यान से देखना तो छोटा सा एक सेल लगा होता है, ठीक है। इस सेल को हम लोग जो बोलते हैं इसको बोलते हैं बायोस सेल, बायोस सेल। मेरी बात आज ध्यान से सुनिएगा, मैं चैलेंज कर सकता हूं ये बात आपको यूट्यूब के भी प्लेटफॉर्म पर कोई नहीं बताएगा, ठीक है।
ये वही व्यक्ति बता सकता है जिसने कंप्यूटर के हार्डवेयर को रिपेयर किया होगा। आप कभी भी मदरबोर्ड खोल के देखिएगा, कभी भी, चाहे वो लैपटॉप का हो चाहे वो डेस्कटॉप का हो, कभी ना कभी जीवन में आपके सामने आपका कंप्यूटर बनेगा, तब आप देखिएगा वहां पर एक सेल लगा होता है छोटा सा, 5 रुपए का वो आता है, जो कई सारे रिमोटों में भी यूज होता है आज के जमाने में, जो टेप रिकॉर्डर्स के रिमोट होते हैं उनमें यूज होता है, छोटा सा सिक्के जैसा होता है, वो बोलते हैं बायोस सेल। जब वो सेल लगा रहता है तो चाहे आपका कंप्यूटर 6 महीने बंद रहे चाहे 7 महीने बंद रहे, उसी सेल की वजह से जब आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो आपके घड़ी में टाइम बिल्कुल सही बताता है। ठीक है, बहुत बच्चे फुल फॉर्म बोल रहे हैं इसका, हम जो समझाना चाहते हैं वो नहीं समझ रहे हो, फुल फॉर्म बता रहे हो, ये कोई नहीं बताएगा, चैलेंज है इस बात का। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ऑप्शन नहीं बताने आया हूं, मैं ऑप्शन ये गलत क्यों है ये बताने आया हूं, समझो बात को। मेरे बच्चे इतना जानते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही करना है कौन सा गलत करना है, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड इन कंप्यूटर, हवाबाजी नहीं करते हैं हमारे बच्चे कि ऑप्शन। अगर आप मुझे किसी भी तरीके से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरे बच्चे कितना अच्छा करके आते हैं, ठीक है, तो जैसे ये मैंने आपसे कहा ये हमारा बायोस सेल होता है जो हमारी सेटिंग को सेव रखता है। अब जैसे सपोज दैट, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने अपने कंप्यूटर में एक बूट डिवाइस सेलेक्ट की, हार्ड डिस्क, तो अब हमारा कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट होगा तो सबसे पहले वो हार्ड डिस्क से ही बूट करेगा। ये एक सेटिंग हमने सेव कर दी कंप्यूटर में, वो बायोस में सेव कर दी। बायोस यानी एक चिप बनी होती है, एक अंदर चिप लगी होती है, ठीक है, बायोस एक चिप होती है जिसमें हमारा सॉफ्टवेयर पड़ा होता है मदरबोर्ड का, जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है फर्मवेयर, फर्मवेयर होता है वो एक्चुअल में, ठीक है, तो उसमें हमारी सेटिंग सेव रहती है। अब ये सेटिंग तब तक ही सेव रहेगी जब तक इस सेल में जान रहेगी, क्योंकि सेल ही तो इस सेटिंग को सेव कर रहा है, सेल ही खत्म हो गया तो आपका कंप्यूटर तो ऑलरेडी बंद है, तो वो सेटिंग को कभी कभी भूल जाएगा, तो कभी अगर भूल गया सेटिंग को तभी आपके पुराने कंप्यूटर में आता है ऑप्शन प्रेस F1 टू कंटिन्यू, प्लीज डेल प्लस एंटर टू डेल सेटअप, ठीक है, प्रेस F1 टू कंटिन्यू कॉमा एंटर डेल टू एंटर सेटअप। ये आपने कई बार देखा होगा, कई बार आपने स्क्रीन में देखा होगा कई जगहों पर कि जब ये मैसेज आ रहा है तो इसका मतलब आपका सेल खत्म हो गया है, आप उस सेल को डाल दीजिए और उसके बाद दोबारा एक बार सेटिंग कर दीजिए तो आपको कभी भी ये मैसेज नहीं आएगा, डायरेक्ट आपका सिस्टम बूटिंग पर चला जाएगा और ऑपरेटिंग सिस्टम बूट होकर स्टार्ट हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि बायोस एक्चुअल में क्या होता है? बायोस एक चिप होती है, बायोस एक चिप होती है जहां पर हमारे मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर होता है। जैसे हमारा कंप्यूटर ऑन होता है तो आपके सामने स्क्रीन पर डेल, एचपी, लेनेवो, सोनी ये सब लिख के आता है, तो ये सॉफ्टवेयर कहाँ इंस्टॉल होता है? ये उसी बायोस में होता है, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, मैक ओएस, मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि ये एप्पल लैपटॉप्स यानी एप्पल कंप्यूटर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये एक एक आपको भी पता है कि ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो टोटली वायरस फ्री होता है, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। रेलवे इसका सबसे ज्यादा यूज करती है और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सपी 7, 8 और 10, 8 जो आया था वो 2015 में आया था, 10 जो आया था वो 2015 में आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था इस साल, तो ये सारी चीजें आपको यहां पर पता चली। ठीक है, मेरी बात समझ में आई बेटा? क्या आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई? अब जल्दी से बताओ आया, क्लियर हुआ, अच्छा लगा, समझ में आया इस क्वेश्चन को कि पता चला बायोस क्या होता है? कई बच्चों को मेरे पास डाउट आया, सर बायोस बता दीजिए, बायोस बता दीजिए, मैंने सारी बात आपको क्लियर कर दी। बताइए बेटा, डन? चलो आगे चले। देखिए यहां पर एक स्क्रीन, यहां पर देखिए क्वेश्चन आ गया है इंपैक्ट प्रिंटर का, आपको आंसर बताना है कि इनमें से एक इंपैक्ट प्रिंटर है। इनमें से एक इंपैक्ट प्रिंटर है, बताइए। ये क्वेश्चन आप बता सकते हो क्योंकि हम अभी बताकर आए हैं। इंपैक्ट का मतलब, इंपैक्ट का मतलब डायरेक्ट पेपर पर रिबन से इंपैक्ट करेगा, बताओ आंसर। बहुत बढ़िया, सब लोग, अब कुछ लोग किट्टू राजपूत कह रहे हैं डी, ठीक है, फिर भी आप लोग वही बात कर रहे हो। ठीक है, इसका क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा
वो सबको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो डॉट मैट्रिक्स होगा। अभी तो हमने एग्जाम्पल दिखाया है, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। इंकजेट कभी हो ही नहीं सकता, ये लेजर कभी हो ही नहीं सकता, थर्मल कभी हो नहीं सकता, क्योंकि ये तीनों ही क्या करते हैं, ये हेड से प्रिंट करते हैं। और अगर हेड से प्रिंट हो रहा है तो वो कैसा प्रिंटर हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट हो जाएगा। ये क्लास में हमने अभी आपको पूरा पढ़ाया है, ठीक है। क्लास मैंने शुरू ही इस टॉपिक से की थी आज। आ गया समझ में, सबको आया कि नहीं आया, बोलो बेटा जल्दी से। राधे राधे मयंक, राधे राधे मेरे भाई। हाँ, डॉट मैट्रिक्स, देखो सरोज ने कितना बढ़िया लिखा है, डॉट बनाया मैट्रिक्स लिख दिया, बहुत बढ़िया। टैलेंट की भारत में कमी नहीं है, चलिए बताइए। अगर हमें कोई भी गुप्त पेज खोलना है, गुप्त पेज खोलना है, तो उस गुप्त पेज को खोलने के लिए हम किस टैब का प्रयोग करेंगे या किस फंक्शन का प्रयोग करेंगे, बताइए। बोलिए जल्दी से। चलिए, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो बुकमार्क, नहीं गलत है। बुकमार्क क्या होता है सबसे पहले तो ये समझो, बुकमार्क ये होता है कि आपको जो वेबसाइट ज्यादा देखनी है, मोस्ट वेबसाइट विजिट करनी है, उसको आप बुकमार्क में सेव कर सकते हो, ठीक है। और न्यू विंडो, आपको नई विंडो कोई खोलनी है, लेकिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा न्यू टैब, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अब एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल तो भाई आपको दिखाना पड़ेगा। देखो जैसे मान लो ये हमारा गूगल क्रोम खुला पड़ा है, ठीक है, ये गूगल क्रोम हमारा खुला है। अब इसमें हम एक टैब ऐड कर देंगे, मान लो हमने एक टैब ऐड कर दिया, तो ये पीछे जितने टैब चल रहे थे ये गुप्त हो गए, ठीक है, ये गुप्त हो गए। और यहाँ पर हम कुछ भी अब खोल सकते हैं, मान लीजिए हमने ये खोल दिया, केडी लाइव खोल दिया, तो ये हमारा ओपन स्क्रीन है, ये हमारे सामने है, बट गुप्त कौन से हैं, गुप्त हो गए पीछे वाले। तो गुप्त करने के लिए हमने क्या किया, न्यू टैब किया। ओके बेटा, तो आपको अब तो उम्मीद करते हैं समझ में आ ही गई होगी हमारी बात। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा कि इस क्वेश्चन का सही जवाब बेटा क्या है, न्यू टैब, डन। चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से, बिना समय गवाए चले आगे। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, चलो बताओ। बोलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन का आंसर मैंने इंटरनेट पर भी देखा, तो कई सारी जगहों पर इसका पेपर में भी गलत आंसर दिया है, बच्चों ने भी गलत किया है, बट आज मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। माधुरी कसत कह रही है कि सर डाउट नहीं क्लियर करते। माधुरी जी, मैं एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर टाइम देकर आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप 10 क्वेश्चन हो जाने के बाद अगर आप ये बोलेंगे कि 7, 8, 9 क्वेश्चन दोबारा क्लियर कर दीजिए, जो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, तो मैं 5 क्वेश्चन और पीछे चला जाऊंगा। मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाने हैं, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कराने हैं। मैं एक बच्चे के लिए क्लास लेट नहीं कर सकता, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपको एक बार में समझना है, समझिए, नहीं तो क्लास जब सेव हो जाए तब आप YouTube पर दोबारा देख लीजिएगा, ये आपकी नैतिकता है। अगर आप क्लास को डिस्टर्ब करना चाहती हैं तो आप 8, 9, 10 पूछेंगी। अभी आपको मैं 10, 11, 12 बता दूंगा, 15वें पहुंच जाऊंगा तो आप कहोगी 10, 11, 12 बता दो, तो बेटा ऐसे नहीं होता है। ये एक ऐसी क्लास है जहां पर टाइम पास कम होता है, पढ़ाई ज्यादा होती है।
बिल्कुल गौरव शर्मा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके वाई का जवाब नहीं दे सकता, ज्यादा इंग्लिश मुझे नहीं आती है, ठीक है, मैं हिंदी में बात करता हूँ। माधुरी कसत जी, आपने पूछा है वाई ऐसा क्यों, तो आपको जवाब हमारे बच्चे ही दे देंगे। ठीक है, तो ये जो बच्चे लाइव हैं यही आपको हमारी बात का जवाब दे देंगे कि ऐसा मैं क्यों हूं। ठीक है, चलो हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, गौरव शर्मा भी आ गए हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलो इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, देखो ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन का गलत जवाब दे रहे हैं। ठीक है, मयंक ने भी गलत जवाब दिया, अजीत ने भी गलत जवाब दिया। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इरविस। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूं। दुनिया का सबसे पहला क्वेश्चन भी तो पढ़ते, सबसे पहला ग्राफिकल इंटरफेस ब्राउजर लिखा है, ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर लिखा है, तो सबसे पहला जो ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर था उसका नाम था, उसका नाम था मोज़ेक। ठीक है, उसका नाम था मोज़ेक, ये नाम था उसका असलियत में, लेकिन उसका पूरा नाम था मोज़ेक इरविस। ठीक है, और ये बना था 1992 में। हमने आपसे ये सवाल नहीं पूछा है कि दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, आपसे सवाल पूछा गया दुनिया का सबसे पहला ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर कौन सा था, तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना चाहिए था इरविस। ठीक है, इसका पूरा नाम था मोज़ेक इरविस, आप आराम से किसी बहुत अच्छी वेबसाइट पर देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ओके बेटा, डन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बताया। ठीक है, चलिए कपिल मेरे भाई लड़ाई नहीं करते, और माधुरी जी आपको देखो कोई भी डाउट हो बेटा, हम आपसे बस यही कहेंगे कि आप एक बार वीडियो रिकॉर्ड हो जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप आराम से फिर आप उसको दोबारा देख लीजिएगा, क्या दिक्कत है। ठीक है, इतना तो हमारे लिए आप कर ही सकती हैं। ठीक है, सारे बच्चों को समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश, हम सब एक हैं, हम सब लोगों को सिलेक्शन लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, मैंने इसका फुल फॉर्म बता रखा है, अश्विनी कभी गलत नहीं होते, अश्विनी मेरे भाई बिल्कुल सही। देखो माधुरी कह रही है कि डाउट क्लियर कराना गलत है क्या, माधुरी जी शायद आप पहली बात तो शायद हमसे पढ़ी नहीं है, शायद आज आप पहली बार हमको लाइव ले रही होंगी। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि मैं उस तरह का मास्टर नहीं हूं जो डाउट रखता हूं। ठीक है, मैं जितनी देर पढ़ाता हूं उतनी देर मैं सिर्फ पढ़ाता हूं, और मेरा अगर मेरी बात आपने सुन ली तो आपको डाउट होगा ही नहीं, पहली चीज। दूसरी बात, आप सुनोगे नहीं तो आपको हर क्वेश्चन में डाउट होगा, तो हर क्वेश्चन का डाउट तो मैं सॉल्व करने यहां बैठूंगा नहीं, ये तो आप भी को पता है। ठीक है, हाँ ठीक है, तो इसलिए कृपया ये आप सब कमेंट ना करें, कोई फायदा नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, ये YouTube है, यहां किसी को ब्लॉक नहीं कर सकते, बोलते रहो कोई दिक्कत नहीं। चलो, और ब्लॉक क्यों करेंगे, आप सब हमारे बच्चे हो, स्टूडेंट हो, ब्लॉक क्यों करेंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो बिल्कुल सही सब बच्चे दे रहे हैं, EEE रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रिकली इरेजिबल या इलेक्ट्रिकल इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, क्या है, हाँ ये वाला, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये सही इसका जवाब है। ठीक है, इफिशियंट गलत हो गया, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी गलत हो गया, और प्रोसीजरल ये गलत हो गया, तो ये फुल फॉर्म सही है। देखो मैंने फिर आपसे कहा कि फुल फॉर्म की एक अलग वैल्यू है। बहुत बढ़िया गौरव शर्मा, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बधाई हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भाई चलो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का।
हाँ, ये क्वेश्चन तो मैंने करवाया था, इस क्वेश्चन का तो आप लोग सब जवाब दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ठीक है, हाँ, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है बेटा फायरफॉक्स। फायरफॉक्स का पूरा नाम होता है, ठीक है, फायरफॉक्स का पूरा नाम होता है ये मोजिला फायरफॉक्स। ये एक क्या है? ये एक ब्राउजर है, ठीक है, ये क्या है? ब्राउजर है। तो ब्राउजर है तो क्या है ये? एक ब्राउजर क्या होगा? एक सॉफ्टवेयर होगा। अगर सॉफ्टवेयर है तो कैसा सॉफ्टवेयर होगा? एक सिस्टम, तो ये हो नहीं सकता। तो बेटा ये क्या सिस्टम नहीं होगा? तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी नहीं हो सकता। तो सॉफ्टवेयर किस प्रकार का है? ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। हमने हमेशा बच्चों यही बात बताई है, हमने हमेशा यही बात बच्चों बताई, जो चीज़ हमारे काम आती है वो हमेशा एप्लीकेशन होती है, जो कंप्यूटर के काम आती है हमारे काम नहीं आती, वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। माधुरी जी और सारे बच्चे, कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया बहस ना करें, पढ़ाई कर लें, 20 दिन भी नहीं बचे हैं एग्जाम के। कैसी बातें तुम लोग कर रहे हो, बच्चों वाली हरकतें करते हो, ठीक है। सारे बच्चे अपने हैं, ठीक है। माधुरी जी आप एक बार कॉल, अब ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए तो दोबारा देख लीजिएगा, नहीं आएगा तो हम लोग परसों फिर सेशन लेके आएंगे और सबसे पहले आपके ही डाउट्स को सॉल्व करेंगे, डन, ठीक है। चलें, अब कोई बच्चा नहीं बोलेगा आपस में, क्वेश्चन कर लो बेटा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलो बोलो आंसर इसका जल्दी से, ठीक है। चौदहवें का बी बोल रहे हैं कुछ बच्चे, चलो देखते हैं इसका आंसर बनाते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहली बात तो एक बाइट बराबर क्या होता है? 8 बिट होता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब 1024 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? तो ये क्या बन गया है? 1 किलोबाइट बन गया। अब इसमें 1024 का और मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या बन गया? 1 MB बन गया। बन गया ना, बन गया, ठीक है। अब यहां पर सवाल पूछा क्या गया है? 1000 GB, यहां पर 2 GB पूछा गया, तो यानी यहां पर MB को GB बनाना पड़ेगा, तो यहां 1024 का और मल्टीप्लाई कर देते हैं, और कितने गुना? 2 गुना, तो यानी 2 × 3 × 1024। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसका, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। और सारे बच्चे बोल रहे हैं बी 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 बी, और इतने बड़े गधे हो, बी कैसे हो जाएगा भाई? यहां जीबी लिखा है, यहां एमबी थोड़ी ना लिखा है, यहां जीबी लिखा हुआ है। फिर से देख लो, 10 बार देख लो, बट इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो ए ही होगा। ये कहां से पढ़ के आ रहे हो तुम लोग, ठीक है। सबसे पहले बिट से, बाइट से किलोबाइट, और किलोबाइट से मेगाबाइट, और मेगाबाइट से गीगाबाइट। तो 1024 एक इसका, 1024 इसका, 1024 इसका, यानी 3 1024 चाहिए। 1024 1024 1024, 3 बार यही है। यार तुम लोग कैसी बातें करते हो यार। इस क्वेश्चन का सही जवाब नंबर 1 होगा, सारे बच्चों का लगभग गलत है, और कुछ बच्चे तो कमेंट में डिलीट करने लगे हैं अपने इसी चक्कर में। सर ये MB में आया था, मुझे पता है बेटा MB में आया था, लेकिन एक शिफ्ट में GB में भी आया है, ठीक है, मुझे पता है एक शिफ्ट में GB में भी आया है। हाँ संदीप यादव, एक में GB में भी आया था, ठीक है, डन, बढ़े आगे, पक्का क्लियर हुआ ना, किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। डाउट नहीं है ना, पक्का आगे बढ़े। हाँ चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो बताओ ये क्वेश्चन बताइए।
सर जी जय हिंद, जय हिंद कपिल मेरे भाई, जय हिंद जय हिंद। मेरा कमेंट चेक कर लो, मैंने ए ही किया था। अरे बिल्कुल, तुमने ए ही किया हो। ठीक है, आगे बढ़िए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। पाम ओएस, बस इतना बताऊंगा कि पाम ओएस एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो बिल्कुल ठीक है, चलो ठीक है। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इस पर मल्टीटास्क नहीं हो सकते हैं, इस पर एक समय में सिर्फ एक ही। पाम ओएस देखिए क्या होता है, जैसे पाम ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ये बिल्कुल आपके लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की ही तरफ होता है। एक काम जब तक हो नहीं जाएगा तब तक दूसरा काम स्टार्ट नहीं होगा। हाँ, इसका क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा वो ए होगा, याद रखिएगा, जिन्होंने बी लगाया वो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है, बताओ। बहुत बढ़िया सामान। नहीं सोनू मेरे भाई, ऐसी बातें नहीं करते हैं। ईवीएम होना हैक है कि नहीं है। अरे 20 अक्टूबर वाला बैच चल रहा भाई, अभी तो उसमें क्लास लेके ही आए हैं, बैच सारे चल रहे हैं बेटा, ऐसी बातें पब्लिक में नहीं लिखा जाता। ठीक है, हाँ चलो। बहुत बढ़िया, इस क्वेश्चन का तो सबको सही जवाब देना ही था। ये ALU जो होता है वो एक प्रोसेसिंग यूनिट होती है। ठीक है, कैश भी मेमोरी होती है, रैम भी मेमोरी होती है, रोम भी मेमोरी होती है। बड़ा आसान सवाल था ये तो, जल्दी से इसको खत्म कर दिया। चलो बताओ बताओ इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए। हाँ, हिमानी शर्मा कह रही हैं कि, हिमानी शर्मा कह रही हैं कि सर यार 37 बंदे हैं सिर्फ देखने वाले। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये सब हमारे ही बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं। चलो जल्दी से क्वेश्चन करिए। इस क्वेश्चन के जल्दी जल्दी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कंट्रोल प्लस एन। ठीक है, ओपन, ये हमने अभी बच्चों को पढ़ा रखा है, ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ओपन अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट। ठीक है, इसका यही मतलब होता है। बहुत आसान सवाल था ये। ठीक है, बी से क्या होता है बेटा, क्या पता है आपको, बोल्ड। ठीक है, डी से क्या होता है, डी से क्या होता है, रिप्लेस होता है, एम से कुछ नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं, चलो बताओ। हाँ हाँ हिमानी, मुझे पता है, मुझे पता है कि मैं अच्छा पढ़ाता हूं, बट आप एक चीज सोचो हिमानी जी, मैं आपको एक बात बताता हूं कि 100 बच्चे जो पढ़ने वाले हैं उनमें 100 में 80 का सिलेक्शन होना बहुत आसान है, लेकिन 1500 लाइव, 2000 लाइव में, 2000 लाइव में 200 सिलेक्शन ले पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जितने बच्चे कम होंगे सिलेक्शन का परसेंटेज उतना ही ज़्यादा बनेगा। ये हमारे वही बच्चे हैं जो हमें जानते हैं या हम पर विश्वास करते हैं। ठीक है, वही बच्चे हैं, चाहे 37 हैं बट ये 37 श्योर सिलेक्टेड हैं, बस ये आप समझ लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल, गौरव शर्मा की बिल्कुल बात सही।
इसको हम पूरा समझाते हैं आपको, ये क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा क्लियर कर लो। सीएम सीपीयू और सीएमओएस ये लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीपीयू और सीएमओएस के बीच का क्या होता है ये देखो, अभी बताते हो तुम ही लोग आंसर बताओगे इसका। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, 18वें क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। 18 का आंसर बी, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, यही सही जवाब था। इसमें याद रखिएगा ये वही सेल है सीएमओ, जो सेल होता है जिसको बायो सेल बोलते हो आप लोग असलियत में, उसको कभी भी दुकान पर जाओगे तो आप बोलोगे हमें एक बायो सेल या सीएमओएस दे दो, सीएमओएस बैटरी दे दो, तो जिस जगह पर वो लगा होता है उसी को सीएमओएस बोला जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है, डन, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का सही जवाब बी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, चलो बोलो। नहीं अभी कंप्यूटर स्पेशल में नहीं हुआ है बेटा, अभी एमएस ऑफिस नहीं हुआ, बाकी सारी बैचों में हो गया। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है स्प्लिट सेल्स, ठीक है, सही है बी आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, बाकी सारे बच्चे जो हैं वो गलत हैं, ठीक है। स्प्लिट सेल बिल्कुल सही जवाब है, करके देखिए, ये तो एमएस वर्ड है, इसको आपको करके ही देखना पड़ेगा। चलिए ये बहुत अच्छा सवाल, बताओ कितने आसान आसान सवाल आए हैं, लेकिन बच्चा कहता है कि सर हमारे क्वेश्चन नहीं सही हुए। अरे हमसे पढ़ के जाते तो क्वेश्चन सही होते। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर, पच्चीस क्वेश्चन का सेशन है, 20 क्वेश्चन पर आ गए हैं, और जल्दी से 5 क्वेश्चन और करते हैं। उन्नीस का बी, मीनाक्षी कश्यप, 19 पर नहीं है, 20 पर आ गए हम लोग। मीनाक्षी हाँ, विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में दिनांक समय और ये कहावत, एक कहावत कही गई है कि ये कंफ्यूज कर रहा है आपको, ये कंफ्यूज कर रहा है। विंडो 10 क्या होता है, ये सब कुछ नहीं होता, विंडो विंडो होती है, और डेट और टाइम, डेट और टाइम हमेशा कहां स्थित होती है, आपके टास्क बार पर। कुछ लोग कह रहे हैं, माधुरी जी कह रही रिसाइकिल बिन में स्थित होती है, धन्य है प्रभु आप धन्य, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो टास्क बार है, ठीक है, टास्क बार। टास्क बार क्या होता है आज ये भी जान लो, अगर नहीं जानते हो तो आगे चलने वाले समय में आप लोग कंप्यूटर पढ़ना बंद कर दो। ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये मोजिला फायरफॉक्स जहां दिख रहा है, पावर पॉइंट दिख रहा है, नोट दिख रहा है, ये आपका टास्क बार है, और आपको शायद यहां पर डेट भी चलती हुई दिखाई दे रही होगी, 1:26, ये देखो यहां पर क्लिक करेंगे तो 1:26:45, ये आपका टास्क बार है। अब यहां पर ये विंडो 10 ही चल रही है, और यहां पर ये जो नीचे आपको दिखता है ये टास्क बार होता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, इससे ज्यादा इसके बारे में डिटेल में हम नहीं समझा सकते। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा टास्क बार, डन, ठीक है। थैंक यू कपिल, ठीक है बेटा, बेटा संदीप चुप रहो, ठीक है संदीप मेरे भाई शांत हो जाओ, हम तुमसे कह रहे हैं शांत हो जाओ, ठीक है। और प्लीज प्लीज तुम लोग लड़ाई मत करो यार, कहीं कहीं यूट्यूब को मतलब इतनी ना लड़ाई कर देना कि यूट्यूब को अपना 2-4 दिन के लिए नेटवर्क बंद करना पड़े आप लोगों की लड़ाई देखकर, ठीक है। अच्छे बच्चे यार तुम तो यार, संदीप कैसी बातें करते हो यादव जी। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं,
चलो बताओ। ऑफलाइन बैच होगा बेटा, स्टार्ट होगा अभी तो ऑफलाइन का, दिल्ली में कोई सीन नहीं बन रहा है। ठीक है, नहीं बीमारी वीमारी किसी को नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे हैं। चलिए बताइए, इस निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर नहीं संदीप, कोई भी खराब नहीं होता, सब अच्छे होते हैं। ठीक है, सब अच्छे होते हैं, बस आदमी की सोच खराब होती है। आपकी सोच अच्छी तो आप अच्छे। ठीक है, कपिल कैसी बातें कर रहे हो यार तुम? कपिल बागपत, अगर ये जवाब तुम दोगे तो तुमसे तो ऐसी उम्मीद नहीं है, तुम तो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हो बेटा। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस पूछी जा रही है। इनपुट तो स्पीकर आउटपुट होता है, प्रोजेक्टर आउटपुट होता है, प्लॉटर भी आउटपुट होता है। प्लॉटर बोलो या क्या बोलो, प्रिंटर बोलो, बात एक ही होती है। तो ये दोनों ही आउटपुट डिवाइस होती हैं। लाइट पेन क्या होता है? लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस होती है। ये तो इतना सरल सवाल था, तुमने कपिल गलत कर दिया यार, जो हमारे सबसे बड़े फैन हो। चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। पवन सर, मेरा भी नाम भी, अरे मेरा भी नाम ले लो क्या? पवन तुम्हारा भी नाम है भाई। चलो आंसर बताओ बेटा इसका। ये क्वेश्चन पूछा गया, मैंने अभी इस क्वेश्चन का ट्रिक ट्रिक में आंसर भी बता दिया था। भवानी सिंह पूछ रहे हैं कि पटवारी में कंप्यूटर का कैसा पेपर आएगा? बेटा आप कंप्यूटर के लिए बिल्कुल निश्चिंत न रहें, किसी भी लेवल का पेपर हो आप, अगर हमारे स्टूडेंट हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं तो बेटा आप ये मान के चलो कि पटवारी का पेपर राजस्थान पुलिस जैसा ही आएगा, उसका अच्छा लेवल होगा। पटवारी का लेवल राजस्थान पुलिस से थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है वो है बेटा 2015। मैंने अभी आपको बताया भी था इस क्वेश्चन का आंसर, तो इस पर ज्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है बहुत बढ़िया, लड़ाई मत करो, चलो शांत हो जाओ। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बैंकिंग उद्योगों में चेक को सत्यापित करने के लिए, वर्ड देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, चेक। चेक इस वर्ड को पकड़िए और आंसर बताइए। दिल्ली पुलिस का लेवल बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा, हाँ लेकिन कंसेप्चुअल रहेगा, जिनसे आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। ये आपके चेकबुक में नंबर होते हैं, वही के उन्हीं के बारे में बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। 24 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आराम से बता सकते हो, बहुत आसानी से, बिल्कुल बेटा इंग्लिश में भी मिलेंगे क्वेश्चन। ये तो टेस्ट पेपर हिंदी में ही आया था ना, राजस्थान पुलिस का जो पेपर आया था वो हिंदी में ही आया था, इसलिए हिंदी में क्वेश्चन हमारे टाइपिस्ट महोदय ने टाइप करके दिया था। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, तो सब लोग बता दोगे, बड़ा आसान सवाल था। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है स्पीकर, ये एक प्योर आउटपुट डिवाइस होती है, प्योर आउटपुट डिवाइस होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, बताइए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का। बहुत अच्छा सवाल है, ये लास्ट क्वेश्चन है और उसके बाद की बात मैं आपको बता दूंगा अभी ध्यान से। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि GUI, देखो बहुत जगह पर ये वर्ड पूछा जा रहा है GUI। मैं फिर बता देता हूं आपको, जो बच्चे कल परसों की क्लास में नहीं थे, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरीके के होते हैं, GUI
और सी यू आई, ठीक है। जी यू आई का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, सी यू आई का मतलब होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जी यू आई का मतलब होता है ऐसे जिनको सीखना पड़ता है, ठीक है, बताना सीखना पड़ता है, और सी यू आई नॉर्मल इंटरफेस होते हैं, ठीक है। और इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा कलर, ठीक है, इसमें कलर का इस्तेमाल जो है वो नहीं किया जा सकता है। ओके, मेरी बात समझ में आई, आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, हाँ बहुत बढ़िया सुनी, ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है, देखो ये जैसे सपोज दैट आपका दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन आने वाला है, पटवारी के भी कई बच्चे, हर दूसरे दिन मैं लाइव सेशन लाऊंगा एक घंटे का जिसमें मैं 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। अगर आप लोग बहस नहीं करोगे तो 30 क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे, और छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आराम से हो जाएंगे। हम लोगों को एग्जाम तक, दिल्ली पुलिस के एग्जाम तक मिनिमम 500 क्वेश्चन हर कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने हैं, वो क्वेश्चन जो एग्जाम में तो आते हैं बट हमारे सिलेबस में नहीं है। अब हम लोगों को मेमोरी से, इनपुट आउटपुट से उठकर क्वेश्चन करने हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं बट उनका सिलेबस में कोई लेन देन नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? इन सब चीजों को हम लोग लेकर परसों फिर आएंगे एक बार, और टाइमिंग सब कुछ आपको केडी लाइव ऐप पर भी मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल उसका सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो हाँ, तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरी बात आज की समझ में आ गई होगी। हाँ, मैं आपका, जो भी बच्चे हमसे कंप्यूटर स्पेशल में दिल्ली प्लस 1, 2, 3 में पढ़ रहे हैं, पढ़ चुके हैं, उन सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और आज के परसों हम लोग दोबारा मिलेंगे। थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, ठीक है, ओके।